अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नौशी ब्यूटी एंड वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है पेडिक्योर के ऊपर, मैनिक्योर या पेडिक्योर हम कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मैनी पैडी की किट जो है, जो कि VLCC की है, वो शेयर करूंगी और इससे आप लोगों को पेडिक्योर भी करके दिखाऊंगी। अच्छा, इस पेडिक्योर किट की जो प्राइस है वो 1500 के अराउंड है। मैंने कुछ अर्सा पहले ली थी और अब शायद इसकी प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुकी हूँ। और ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं सारी, इसमें मतलब कि एसेंशियल ऑयल और वो ऑर्गेनिक चीज़ों से ये बनाई गई हैं। तो इसका कोई भी मतलब साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि कोई हार्श केमिकल वगैरह इसमें ऐड नहीं हुए हुए, बल्कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाई हुई हैं। और इसमें सिर्फ हमारे पास 4 ही स्टेप हैं टोटल और बहुत ही इजी ये पेडिक्योर है। अगर आप लोग एक बार इस किट को ले लेते हैं तो आप लोग इससे काफ़ी अर्से तक जो है पेडिक्योर कर सकते हैं। ईद वगैरह पर कोई फंक्शन, कोई पार्टी वगैरह आती है तो खुद ही आप लोग घर में पेडिक्योर कर सकते हैं और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास ये क्लिनज़र आता है जो कि फूड क्लिनज़र है। इसको आपने गर्म पानी के अंदर डालना है, सिर्फ फूड क्लिनज़र को, और आपने 10 मिनट तक जो है अपने पाँव उसमें भी भिगो के रखने हैं। गर्म पानी जो होगा मतलब इतना हो, नॉर्मल हो, जिसमें हम मतलब बेयरेबल हो, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो, क्योंकि गर्म पानी से जो है वो डेड स्किन जो है उतरेगी और हमारे पाँव जो है वो बहुत ही स्मूथ हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप जो इसका था वो है स्क्रब, और उसमें थर्ड स्टेप जो है उसका वो है हमारे पास मसाज क्रीम, और फोर्थ स्टेप जो है हमारे पास वो फूड स्प्रे है। अच्छा, इसके पेडिक्योर के बाद हमारे फीट जो हैं वो इतने ज़्यादा लाइट हो जाते हैं, हल्के फुल्के से बिल्कुल, और इसकी जो स्मेल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। मतलब लेमन एसेंशियल ऑयल की जो स्मेल है वो हमारे आती है हाथों और पाँव से। इससे ये है तो पेडिक्योर किट, लेकिन मैनी पैडी दोनों कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन आज के जो पेडिक्योर है उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं और भी घर की चीज़ें जो हैं और कौन सी इसमें शामिल करती हूँ, जो साथ साथ जो है वो यूज़ करती हूँ। तो चलें अब पेडिक्योर को स्टार्ट करते हैं। तो पेडिक्योर के लिए हमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट चाहिए वो फूड क्लिनज़र जो मैंने आप लोगों को दिखाया है वो तो इसमें शामिल होगा, लेकिन ये हमारे पास मीठा सोडा है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा आप ले सकते हैं, और इसको हम लोग जो है गर्म पानी के अंदर जो है वो ऐड करेंगे। ये हमारे पास जो है नॉर्मल हॉट वाटर है। तो अब इसके अंदर जो है हमने ऐड करना है 1 लेमन। अब लेमन आप लोगों को पता है कि ये हमारी जो डेड स्किन है उसको रिमूव करता है, और इसमें लाइटनिंग एजेंट होते हैं। इसको हम इसी के अंदर जो है वो डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो हमारे पास ये वाला जो क्लिनज़र है, अब ये आप लोग चेक कर सकते हैं इस क्लिनज़र को, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी अर्से तक यूज़ किए, ट्राई किए, मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे हैं। अब ये तकरीबन सारा एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, तो अब मैं कुछ इसमें जो बचा है वो ऐड करूँगी। ये बिल्कुल जेल बेस्ड जो है क्लिनज़र था, और बाकी इसमें मैं शैम्पू ऐड करूँगी आप लोग। अच्छा, उसके बाद आप कोई भी शैम्पू इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ये वाला सनसिल्क का शैम्पू है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी, इतना ऐड करने के इसकी जो झाग है वो अच्छे से बन जाए। तो उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और झाग बना लेनी, और अपने पाँव की कंडीशन जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, और उसके बाद भी आप रिज़ल्ट देखना। सबसे पहले आप लोगों ने, अगर आपके नेल्स कट नहीं हुए हुए तो आपने अपने पाँव के जो नेल्स हैं उसको कट करना है और उसको शेप देनी है अच्छी सी। तो ये सबसे पहला स्टेप है अगर आप अपने पाँव को खूबसूरत दिखाना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे कुछ वो हल्के हल्के से डार्क हो गए हैं यहाँ पर नकल्स वगैरह, और एड़ियाँ भी बहुत सख्त सी, रफ़ सी हुई हैं। मेरी जो स्किन है मतलब पाँव की, वो बहुत ही रफ़ हुई हुई है इस वक्त, पाँव के ऊपर बहुत ज़्यादा डेड स्किन है। अच्छा, अब इसको हम पाँव को अब वाटर के अंदर हम ऐड करेंगे और 10 मिनट तक हम वेट करेंगे। 10 मिनट के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह का कोई भी आपके पास फूड फाइलर होगा तो आपने इससे अपनी एड़ियों को साफ़ कर लेना है। और उसके बाद हमें जो चाहिए वो इस तरह का कोई भी टूथब्रश आप ले लें जो आप यूज़ ना करते हो, वो आपने लेना है। और जब 10 मिनट के बाद हमने अपने पाँव को निकालना है वाटर में से, तो उसके बाद हमने अपने नेल्स को इससे अच्छी तरह से साफ़ करना है, और इसके साथ हमने अपनी एड़ियों को साफ़ करना है। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ 10 मिनट के बाद। हाँ जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो उसके बाद हम कोई भी लूफ़ा लेंगे। अब इस लूफ़े की मदद से आपने क्या करना है कि अपने इस पानी के अंदर पाँव को रखना है और अच्छी तरह से इसको अपने पाँव के ऊपर करना है, रब करना है, ताकि हमारे पाँव जो हैं वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए, क्योंकि ये जो है हमारी डेड स्किन को काफ़ी अच्छे से उतार देते हैं और हमारे पाँव जो है इससे नीट होते हैं। अगर आप डेली रूटीन में भी इस तरह के ये जो लूफा वगैरह और फूड फाइलर यूज़ करते रहें तो आपकी एड़ियाँ, आपके पाँव बिल्कुल साफ़ रहेंगे, और आप लोग देखेंगे कि
आपकी जो डेड स्किन है वो कभी होगी नहीं और आपके पाँव जो है वो साफ रहेंगे। अच्छा जी, अच्छा दी, उसके बाद जो मैंने आप लोगों को ये फूड पाइलर दिखाया था, इससे हमने क्या करना है, अपनी एड़ियों को अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लेना है। अब इस ये वाली जो साइड है इसकी सॉफ्ट है, ये वाली थोड़ी सी हार्ड है, तो इससे हमने अपनी एड़ियों को साफ़ करना है और इस वाली साइड से हम ऊपर से पाँव की ऊपर वाली साइड जो है वो साफ़ करेंगे। तो अपने पाँव को अच्छी तरह से साफ़ करें इसके साथ, और पानी के अंदर ही पाँव रखने ताकि जितनी भी मैल कुचैल है या डर्ट वगैरह है और डेड स्किन है वो हमारी पानी के अंदर रह जाए। और क्योंकि हमने लेमन भी ऐड किया, तो वो जो लेमन हमने ऐड किया था वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अभी, उससे हमने अपने नेल्स को जो है वो उसके ऊपर रब करने हैं ताकि हमारे नेल जो हैं उससे शाइन करेंगे और जो है क्यूटिकल्स हमारे जो थोड़े डार्क हो रहे थे वो भी उस लेमन की वजह से क्या हो जाएंगे, साफ़ हो जाएंगे। तो ये वाले लेमन जो हमने इसमें ऐड किए थे इसको हमने अपने नेल्स के ऊपर और ये जो हमारे क्यूटिकल थे इन क्यूटिकल के ऊपर जो थोड़े से डार्क हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, यहाँ पर फिंगर्स पे ये इशू होता है और कुछ लोगों के मतलब शूज़ पहनने की वजह से निशान वगैरह बने होते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आप लोग ये लेमन इसको रब करेंगे क्योंकि ये ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करेगा। मैं जो हूँ वो ब्लीच यूज़ नहीं करती, तो अगर आप लोग ब्लीच यूज़ करते हैं मतलब पाँव पे, फेस की बात नहीं करी, अगर पाँव पे आप लोग ब्लीच यूज़ करते हैं तो आप लोग जो है इस स्टेप के बाद ब्लीच पहले यूज़ कर लें और बाकी स्टेप जो हैं वो बाद में करेंगे, और मैं ब्लीच यूज़ नहीं करती इस वजह से मैं ब्लीच नहीं करूँगी। अच्छा जी, तो ये अब मेरे पाँव जो हैं इसमें से मैंने टब में से निकाल लिए और आप लोग देख सकते हैं कि इसके जो है मेरी मतलब स्किन जो है वो साफ़ हो चुकी है और सारी जो डेड स्किन है वो पाँव से जो है उतर चुकी है। अब अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे क्योंकि यहाँ पर क्यूटिकल्स पे जो हमारी स्किन होती है अक्सर यहाँ पर बनी होती है, कुछ डेड स्किन होती है, तो उसको आपने साफ करना है इस ब्रश की हेल्प से। इस तरह आप करके साफ करेंगे और हमारे जो नेल्स हैं बिल्कुल साफ और जो है वो शाइनी हो जाएंगे। इसके बाद जो हमारा जो स्टेप है वो है ये स्क्रब। अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा दूँ तो इसमें ऑरेंज ऑयल है, यहाँ पर बताया हुआ है कि वालनट है, इसमें लेमन ग्रास जो है वो ऑयल शामिल है और लेमन और जो पत्ते आप लोगों को वालनट जो है वो भी हमारी डेड स्किन को रिमूव करते हैं और लेमन ग्रास जो है हमारे ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर जो है वो काम करते हैं। तो ये मैं काफ़ी अरसे से यूज़ कर चुकी तो इतना ही बचा है, तो इसी से अब हम जो है वो स्क्रब करेंगे और तकरीबन आपने 3 मिनट तक तो स्क्रब करना है अच्छे से। तो स्क्रब मैं इससे स्क्रब करती हूँ और उसके बाद 2-3 मिनट के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि स्क्रब करने के बाद हमें क्या रिजल्ट मिले। हाँ जी, तो ये जो क्यूटिकल हैं इसके ऊपर आपने स्क्रब को अच्छी तरह से जो है वो रब करना है ताकि हमारे क्यूटिकल्स भी साफ हो जाएं, डेड स्किन रिमूव हो जाए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, अगर आप लोगों के पास ये किट नहीं है तो जो दूसरी चीज़ें मैंने ऐड की हैं वो आप वाटर के अंदर ऐड कर सकते हैं और स्क्रब की जगह पर आप बेसन के अंदर लेमन जूस ऐड करके वो मास्क बना के लगा सकते हैं और जब वो ड्राई होने लग जाए तो इस तरह करके उसको उतार सकते हैं, तो आपका जो स्क्रबिंग का काम है और मास्क का काम वो भी करेगा और उसके भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट होंगे। अच्छा, तो इसके बाद जो है हमने जो स्क्रब किया उसके बाद हमारे पाँव आपने उसी टब में, जो टब पानी वाला जो टब था जिसके अंदर हमने अपने पाँव डाले थे उसी में हम डाल के आपने स्क्रब को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और फिर अपने पाँव को अच्छी तरह से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद जो है हमारा थर्ड स्टेप आएगा और वो है ये क्रीम। ये है हमारे पास, इस क्रीम के अंदर कोका बटर ऐड है और ऑरेंज ऑयल। कोका बटर जो है वो बहुत ही मॉइस्चराइजिंग जो है इफ़ेक्ट देता है, स्किन को अच्छे से नरिश कर देता है, और ऑरेंज ऑयल तो आप लोग जानते हैं कि कितना अच्छा होता है, एक तो हमारे जो स्किन के ग्लो प्रोवाइड करता है, डलनेस को रिमूव करता है। तो इस क्रीम को हमने लगाना है और इसको हमने अच्छे से मसाज करना है अपने पाँव के ऊपर, बिल्कुल ही अब्जॉर्ब हो जाए पाँव के ऊपर जो है, बिल्कुल ये अब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद हमने
इसको उस वक्त तक हमने इसको लगाना है। और आप लोग देखेंगे कि ये जब अब्सॉर्ब हो जाएगी तो आपके पाँव कितने ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और नरिश हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हमने ये स्प्रे जो है अपने पाँव के ऊपर लगाना है, इसको स्प्रे कर देना है। और इसके अंदर हमारे पास पैचोली ऑयल, ओलिको राइस जो है वो ऑयल मौजूद है, और जो स्किन को फ्रेश करते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, और हमारी जो पाँव के ऊपर जो भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं और जितने भी होती है मतलब फंगस वगैरह किसी के पाँव के ऊपर लग जाती है, तो वो लोग जो हैं इस स्प्रे से जो है ये आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। कोई भी इन्फेक्शन जो है वो आपके पाँव पे नहीं होगा, और इससे हमारे पाँव के ऊपर शाइन भी आएगी, और बहुत ही अच्छी स्मेल इस स्प्रे को लगाने के बाद हमारे पाँव से आती है। और जब पेडिक्योर करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जिस रूम में आप लोग होंगे उस रूम में लेमन की और एसेंशियल ऑयल की जो है वो स्मेल जो है वो आने लगेगी। तो उसके बाद ये स्प्रे जो है लगाने के बाद हमने इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। तो इसको ड्राई होने के बाद फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो जी, हमारे पास जो स्प्रे है वो एब्जॉर्ब हो चुका है बिल्कुल, और आप लोग देख सकते हैं मेरी एड़ियाँ जो हैं वो बिल्कुल इस वक्त साफ हो चुकी हैं, पाँव जो हैं वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, और नेल्स भी शाइन कर रहे हैं, नेल बिल्कुल जो हैं वो साफ हो चुके हैं, और इस वक्त पाँव बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुके हैं, और सारी डेड स्किन जो है वो उतर चुकी है। तो अब मज़ीद हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चराइज रहे, उसके लिए आपने करना क्या है कि कोई भी लोशन ले लें। यहाँ पर मेरे पास जॉनसन्स का बेबी जो है मॉइस्चराइजिंग क्रीम मौजूद है। आपने थिक क्रीम लेनी है, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और उसके अंदर आपने वैसलीन को ऐड करना है। यहाँ पर हम इस तरह ऐड करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी वैसलीन को ऐड करके इसमें मिक्स करेंगे, और फिर हमने इसको अपनी एड़ियों पर लगाना है। और हमारे जो नेल्स हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक टिप दे दूँ कि अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले वैसलीन अपने नेल्स पे लगाते हैं तो ना तो आपके नेल्स ड्राई होके टूटेंगे, ड्राई भी नहीं होंगे, शाइन होएगी और वो स्ट्रॉन्ग होंगे नेल्स, और जो है बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे क्यूटिकल्स, और आपके कभी पाँव जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। और उसके बाद ये लोशन आपने अपने पाँव पे और एड़ियों पे लगा लेना, क्योंकि एड़ियों जो हैं वो ड्राई हो जाती हैं, तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज करने के लिए आपने इनके ऊपर लगा देना है ये लोशन और वैसलीन मिला के। तो अब पेडिक्योर जब भी आपने करना होता है, आपने इसको हमेशा रात के टाइम करना है, ताकि इसको पेडिक्योर करने के बाद आप तकरीबन 12 घंटे तक इसको सिंपल वाटर से भी वॉश ना करें, और इस वक्त करेंगे तो रात के वक्त करेंगे तो आपने कहीं बाहर भी नहीं जाना होता, तो हमारी जो है पाँव वो अच्छी तरह से हर चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर आप देखेंगे अगले दिन तक भी आपके पाँव कितने सॉफ्ट रहेंगे। और एक दिन के बाद इस पेडिक्योर के रिज़ल्ट आपको ज़्यादा वाज़े जो हैं वो शो होंगे। तो ये थी मेरी वीडियो पेडिक्योर की। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है और इसको शूट करना भी बहुत ज़्यादा टफ था। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।